हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप आपकी स्किन से टैन को रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, स्किन पे जो सन टैन आती है ये एक बारी में ही नहीं जाती है। आप जो भी कर लो, पार्लर में जाओ, घर में रेमेडीज ट्राई करो, एक बार में पूरा आपकी स्किन पहले की जैसा नहीं होता है। आपको एटलीस्ट 1 वीक तक वेट करना पड़ेगा। रेमेडीज ट्राई करते रहो, ट्रीटमेंट करते रहो, 1 हफ्ते मिनिमम आपका लगता है टैन रिमूव होने में। एंड पूरा रिमूव होने में नॉर्मली अगर आप छोड़ दो, उतना ज़्यादा स्किन केयर ना करो, तो ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। वेल, आज जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, ये सारी रेमेडीज आपकी घर से ही मिल जाएंगे। एंड आप बस हफ्ते में 1 हफ्ते तक वेट करो, 3-4 बार ये अप्लाई करो, तो आपकी टैन जो है ना काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। आज ही मैंने ये ट्राई किया है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पर मेरी प्रीवियस स्किन देख सकते हो। तो मैंने एवरीडे बहुत अच्छी से सनस्क्रीन अप्लाई किया, फिर भी मेरी स्किन पर टैन आ गई। एंड ये नॉर्मल है, सी बीच आप जाओ तो आपकी स्किन पर टैन आ जाएगी ही। तो गाइज, तो उतनी ज़्यादा मेरी स्किन पर टैन नहीं आई है, बट आई है। तो जो रेमेडीज आपको चाहिए, बस 3-4 रेमेडीज आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसन लेना है 1 टीस्पून, उसके साथ आपको मिक्स करना है 1 टीस्पून कॉफ़ी, आप घर में जो कॉफ़ी यूज़ करते हो कॉफ़ी पीने के लिए वो। एंड उसके साथ आपको ऐड करना है 1/2 लेमन की जूस, आप 1/2 लेमन की जूस इसमें डाल दीजिए। एंड उसके साथ आपको मिक्स करना है 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा हनी। अब इन चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर लेना है। हनी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, डोंट फरी। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप कर्ड इस्तेमाल कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, बट आप अगर ट्राई करो तो अच्छी रिजल्ट मिलेगी, मतलब यूज़ करो तो। अच्छी से मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद स्किन को अच्छी से वॉश कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्किन को अच्छी से स्टीम ले लीजिए। अगर स्टीमर नहीं है, हॉट वाटर में टावल को डिप कीजिए एंड उस टावल को आपकी स्किन पर, मतलब थोड़ी सी निचोड़ के उस टावल को आपकी स्किन पर प्लेस कीजिए। 4 से 5 मिनट ऐसा कीजिए, आपकी स्किन की जो पोर है वो ओपन हो जाएगी एंड ये रेमेडी जो है बहुत अच्छी काम करेगी। उसके बाद इसे अच्छी से अप्लाई कर लीजिए, एक थिक लेयर आपको अप्लाई करना है। आप देखिए, पूरा मैंने अप्लाई कर लिया एंड मेरी राइट हैंड साइड पर भी इसे अच्छी से अप्लाई कर लिया इतना सा, ताकि आपको दोनों हैंड में डिफरेंसेस दिखाऊं। तो मैंने इसे अप्लाई करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट वेट करना है। 15 से 20 मिनट तक आप वेट कीजिए, उसके बाद इसे आप वाइप आउट कर सकते हो, स्किन को वॉश कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा वाइप आउट करके देखा, उसके बाद मैंने पूरा स्किन को अच्छी से वॉश कर लिया, ठीक है। वॉश करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हो, मेरी स्किन पता नहीं आपको कितना, मतलब यहाँ पर डिफरेंसेस नज़र आ रही है, बट गाइस काफ़ी हद तक मेरी जो टैन है रिमूव हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ही बारी में ये पूरा रिमूव नहीं होता है। ये रेमेडी आपको एवरीडे या फिर ऑल्टरनेट डेज पर 1 हफ्ते तक आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपकी पूरा टैन जो है रिमूव हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप हैंड पर भी रिजल्ट देख सकते हैं कितनी अच्छी रिजल्ट आई है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको ऑब्वियसली नजर आएगी कि ये रेमेडी काम करती है। ये बहुत ही इफेक्टिव एक रेमेडी है, बहुत ही वायरल एक रेमेडी है, तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपकी स्किन पर सन टैन आ गई है। अक्सर ऐसा होता है ट्रिप से आने के बाद स्किन पर काफ़ी सन टैन हो जाती है, स्पेशली सी बीच जाओ तो ऑब्वियसली होता है। तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपकी स्किन पर टैन है। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर, बाय बाय।